कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, सुना है आपने कई बार ये नाम? कई बार अक्सर जब लॉ पढ़ते हैं ना तो अपने आप हमें दिख जाता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या होता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस तो सुनिए क्या होता है। नॉर्मली कंपाउंडिंग में हम कोर्ट को ये बताते हैं कि साहब हमसे गलती तो हो गई है लेकिन हम पर्सन इनोसेंट हैं, वो दूसरे चीज़ों में बिजी थे ना, इसी वजह से ये काम ये गलती हमसे हो गई, आप हमें इस बार माफ़ कर दीजिए, हमें जो मिनिमम से मिनिमम पनिशमेंट हो सकता है वो दीजिए। अगर जुडिशियल ऑफिसर हमारी बात से उसे कन्विंस होते हैं तो बिल्कुल वैसा करेंगे, वो उनका डिस्क्रिशनरी मैटर है। लेकिन जब कभी भी आप कोई एक्ट पढ़ेंगे, हर एक्ट में कंपाउंडिंग का प्रोविजन है, ऐसा कहते हैं जहाँ पनिशमेंट है तो कंपाउंडिंग भी है। लेकिन किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग कब हो सकती है? जब ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजमेंट और फाइन से, इम्प्रिजमेंट और फाइन, या फिर फाइन ओनली, फाइन ओनली, या फिर इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, मतलब इनमें से किसी भी सिचुएशन में कहीं भी मैटर पर अगर ऑफेंस पनिशेबल है, जैसे इम्प्रिजमेंट और फाइन बोल दिया, जैसे कहते ना अगर इफ़ यू हैव कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस देन दिस ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर और फाइन ₹50,000 और बोथ, तो ऐसा अगर कोई पनिशमेंट है तब तो कंपाउंडिंग हो सकती है, जुडिशियल ऑफिसर के डिस्क्रिशन को पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ऐसा है इम्प्रिजमेंट ओनली, इम्प्रिजमेंट ओनली, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, तो भूल जाइए कंपाउंडिंग फिर नहीं होगी, कंपाउंडिंग नहीं होगी। आप जितने भी एक्ट में देखेंगे ना सभी जगह ऐसी बातें लिखी है, चाहे आप सेबी एक्ट ले लो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ले लो, कहीं भी चले जाओ किसी भी एक्ट को उठा लो, सभी जगह ऐसी बातें लिखी। हाँ एक बात और लिखते हैं कि अगर सेम ऑफेंस, मान लो यहाँ कंपाउंडिंग है और सेम ऑफेंस विद इन 3 ईयर्स दोबारा से कर देते हैं तो ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हुए भी ना कंपाउंडिंग नहीं होगी, कंपाउंडेबल होते हुए भी कंपाउंडिंग नहीं होगी, विद इन 3 ईयर्स सेम ऑफेंस दो बार कर देते हैं, ये भी बात है। और कंपाउंडिंग में होगा क्या? तो अगर इम्प्रिजमेंट और फाइन है तो हमारी इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, फाइन लगा के छोड़ देंगे, फाइन ओनली है तो फाइन कम कर देंगे। अच्छा कंपाउंडिंग क्लेम कब करेंगे? सबसे आखिरी में, जब केस हारने लगे तब? बिल्कुल नहीं, जब केस हारने लगे, जब सारा कुछ हो गया तो आप कंपाउंडिंग किस बात की? आपको जो ऐसे पता चला कि हाँ भाई मेरे ऊपर ये केस हो गया है या ये केस होने वाला है, व्हाट्स एवर, आपको जैसे पता चला इमीडिएटली कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कीजिए, तभी कंपाउंडिंग होगी, अदरवाइज कंपाउंडिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्ट उद्देश्य बड़ा बढ़िया है, कभी कभी लोग से गलतियां हो जाती हैं और बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है, और जो गलती होने का रीज़न है वो बहुत बड़ा ही जेन्युइन रीज़न है। हम दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई रिटर्न फाइल करनी थी, कोई इंफॉर्मेशन देना था और टाइम बाउंड था, हम इस टाइम के भीतर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए भला? बहुत सारे दूसरे काम में बिजी थे, एक इंसान 10 तरह के कंप्लायंसेज, दुनिया भर के लीगल कंप्लायंसेज है हमारे पास, एक छूट गया तो ठीक है यहाँ पे कंपाउंडिंग की प्रोविजन है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जहाँ जहाँ कंपाउंडिंग आता है आप इस बेसिक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कंपाउंडिंग में, सही है दिस वन। चलिए तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी जितनी लीगल इन्फॉर्मेशन आप रोज़ कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते रहेंगे। थैंक यू।